खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहराइच में भेड़ियों के हमलों की जो कहानी अब से कई दिनों पहले शुरू हुई थी, उस कहानी का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तराई बेल्ट के अलावा भेड़ियों के हमले की खबर पूर्वांचल के जिलों से भी आने लगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कई बार कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भेड़ियों के हमले का एक जैसा पैटर्न हर जगह नजर आ रहा। के हमलों का एक ही पैटर्न क्या कहता है? क्यों भेड़िए छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे? आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है इन हमलों का दायरा? इन सवालों के जवाब की तह तक पहुंचे उससे पहले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। कौशाम्बी, बरेली, भदोही, सीतापुर और भेड़िए के हमलों का सेंटर पॉइंट यानी बहराइच। ये वो जिले हैं जहां भेड़ियों के आतंक से हर कोई डरा सहमा है। अभी तक भेड़ियों के हमलों की जो कहानी बहराइच तक सिमटी थी वो अब कई जिलों तक पहुंच गई है। खबर है कि कौशाम्बी में आदमखोर भेड़िए के हमले में 3 लोग जख्मी हो गए। तो किसी तरह वो वहां से उसको छुड़ाए, जब वो भागा तो एक आगे एक सयान चरा रहा था बकरी, वहां जाके वो हमला वहां पे किया। वहां पे पूरे गांव के लोग सब इकट्ठा हुए, दौड़े, जब तक में उसको खूब काफी चोट आ गई। दो चार दिखाई देते हैं, ठीक। एक बच्चे को ने तोड़ा, एक सयान को भी तोड़ा, खुजवापुर में तोड़ा, 3 लोग को मतलब जख्मी कर दिए। इसी तरह यूपी के बरेली और भदोही से भी आदमखोर के हमलों की खबर आ रही है। हम लोग खेत पे जा रहे थे ना, खेत पे हमारा खेत है, वहाँ खेत पे धान लगा रहे थे। पीछे से आके उसने मेरे कुली को मारा था, मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या चीज है। उसके बाद में फिर वो आगे से आया था, जब मैं आगे से आया तो मैं टिक आई दूर से। भेड़िया था, मैं आग से देखा, मैं उससे मतलब हाथा भाई उससे हुआ भेड़ से जी। और मुझे 4-5 बार मैं उसको उठा पटका, 7-5 बार उसने मुझे जानलेवा हमला किया। हालांकि बहराइच में बीते कुछ घंटों से भेड़िए के हमले थमे हैं, लेकिन खूनी पंजों की दहशत का असर देखिए। जिन गाँव में लोग अभी तक बिना दरवाजों के सो रहे थे, उन्ही गाँवों में दरवाजों की डिमांड बढ़ गई। ये नया लगा हुआ दिख रहा है, परसों लगा नरसों जी, यानी ये दरवाजा ना होने का फायदा भेड़िए उठा रहा है और ज्यादातर ऐसे घरों ही वो हमला कर रहा है और उसके बाद ये दरवाजा लगाया गया है। और ऐसी कई जगह और घटनाएं हुई है। क्या ऐसे ज्यादातर गांव है जहां घर है जहां दरवाजे नहीं है वहीं भेड़िया? दरवाजे नहीं है, बाकी कुछ लोगों का घर भी जैसे घास फूस का झोपड़ी मड़ाई का है उसमें ज्यादा अटैक करते हैं, और खुला जगह दरवाजे जिसमें नहीं है उसमें अटैक करते हैं, बंद दरवाजे में तो जा नहीं सकता। इलाके के लोगों की मान्यता है कि भादों के महीने में लोग अक्सर अपने घरों पर नए दरवाजे नहीं लगवाते, जिस वजह से इस महीने में लोगों का रोजगार धीमा पड़ जाता है। लेकिन भेड़ियों के आतंक ने लोगों को इतना बेबस कर दिया है कि लोग भादों के महीने में ही दरवाजों का ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन भेड़ियों के हमले से जुड़ी असल कहानी कई सवालों पर आकर छिटक जाती है। क्या कर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भेड़ियों के हमलों का पैटर्न एक ही जैसा है? इन सवालों के पीछे जानकार प्रतिशोध की उस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश में पहले भी देखी जा चुकी है। ये कहानी अब से 20 से 25 साल पहले की बताई जा रही है, जब जौनपुर और प्रतापगढ़ में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमलों में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। तब पड़ताल में पता चला था कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की माद में घुसकर उनके बच्चों को मार दिया था, जिसका असर ये हुआ था कि भेड़िए उग्र हुए और उनकी पूरी फौज ने छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ठीक ऐसा ही बहराइच में भी देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी साल जनवरी और फरवरी महीने में भेड़ियों के 2 बच्चों की किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई थी।
उस वक्त भी भेड़िये उग्र हुए थे, लेकिन वन विभाग ने उन्हें पकड़कर 40 से 50 किलोमीटर दूर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया था। और शायद यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी वक्त से भेड़ियों के हमलों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या वाकई बहराइच और दूसरे जिलों में हो रहे भेड़ियों के हमले की कहानी का प्रतिशोध से कनेक्शन है? और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एक्शन मोड में बताया जा रहा है कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स नजर आ रही है। टीम ने श्रीगंगानगर जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर आत्माराम विश्नोई को धर दबोचा है। टीम ने 30 किलोमीटर पैदल चढ़कर ठिकाने पर छापा मारा है। आत्माराम के खिलाफ 24 से ज्यादा मामले दर्ज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 30 किलोमीटर बताया जा रहा है कि टीम जो है पैदल चली और इस दौरान दबोच लिया गया है। छापेमार कार्रवाई करते हुए आत्माराम को दबोचा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताते चले आपको कि गैंगस्टर्स पर लगातार नकेल कसने की कार्रवाई जो है वो टीम के जरिए की जा रही है और इसी कार्रवाई को एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। टीम ने श्रीगंगानगर जिले में छापेमार कार्रवाई की और यहाँ पर 25,000 का जो इनामी हिस्ट्री शीटर है यानी कि आत्माराम विश्नोई, उसे दबोच लिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, 30 किलोमीटर टीम पैदल चली और उसके बाद कामयाबी मिली। देखिए बिल्कुल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर, जहां पर सूरतगढ़ के हिस्ट्री शीटर आत्माराम विश्नोई को एजीटी के टीम ने गिरफ्तार किया। एडीजी क्राइम दिनेश शर्मा के सुपरविजन में पूरा ऑपरेशन चला और जो आत्माराम विश्नोई है 24 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। साथ में ये सामने आया कि डकैती के मामले में लंबे समय से यह फरार चल रहा था और आखिरकार हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह शेखावत, इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तंवर, उसके अलावा राम अवतार मीणा, तमाम पुलिस की टीम को जयपुर से सूरतगढ़ भेजा गया, जहां पर इस टीम ने मिलकर के आत्माराम विश्नोई को धर दबोचा, उसका पीछा किया। करीब आत्माराम विश्नोई को पकड़ने के लिए एजीटीएफ की टीम 30 किलोमीटर दूर तक पैदल चली, उसके ठिकाने पर पहुंची और जब आत्माराम विश्नोई ने भागने का प्रयास किया तब उसको स्कॉर्पियो के साथ में एजीटीएफ की टीम ने धर दबोचा आत्माराम विश्नोई को और लोकल थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। जी बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर टीम को मिली है। बहुत शुक्रिया विष्णु जानकारी पहुंचाने के लिए। और बारिश कहर बनकर टूट रही है। शाहपुरा जिले में तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर की सड़कों पर सैलाब बह रहा, मुख्य चौराहे की सड़क पर घुटनों तक पानी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश की वजह से आप देख सकते हैं सड़क जो है वो दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि सड़क पर अगर कोई गड्ढा है तो राहगीरों को नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हादसे होने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। 1.5 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। शाहपुरा के बाद रुक करेंगे भीलवाड़ा का, जहां पर ऐसा ही नजारा है। बारिश से नदियां उफान पर आ चुकी हैं, पुलिया पर 1 फीट पानी आ चुका है। बड़ियावास और बरुंदनी मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है और इस दौरान लोग जान को अपनी जोखिम में डालकर रपट पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये नदी के ऊपर जो पुलिया बनी हुई है नदी को पार करने के लिए, इसके ऊपर से पानी बहने लगा है और लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में हादसों को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार अपील करता रहता है कि बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचे और खास करके इन इलाकों पर सावधानी बरते, ताकि किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो। लेकिन लोगों की लापरवाही कभी कभी भारी पड़ जाती है और भीलवाड़ा से एक ऐसी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आई है, हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और उधर अजमेर के पीसांगन से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर नदी के तेज बहाव में फंसे कार सवार दो युवक। हालांकि ग्रामीणों ने यहां पर सूझबूझ दिखाई, आसपास के लोग जैसे ही वहां पहुंचे ग्रामीणों को भी सूचना दी गई। मौके पर ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और उन्होंने दोनों युवकों की जान को सकुशल बचा लिया। कस्बे के फतेहपुरा रोड स्थित सागरमती नदी की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी बहाव के कारण
वहां पर पानी तेज हो गया था जिसमें दो कार सवार युवक फंस गए थे, हालांकि उन्हें बचा लिया गया। उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब बुलडोजर पर आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बुलडोजर वाले तंज पर पलटवार किया, जिस पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले वार पलटवार की लड़ाई जो है वो तेज हो चली है। इस बार सियासी घमासान का केंद्र बना है योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर भी हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं टिको सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। यूपी में उपचुनावों से पहले जुबानी संग्राम, बुलडोजर मॉडल पर छिड़ा सियासी घमासान। बुलडोजर वाला कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश। उत्तर प्रदेश की सियासत के समर में एक बार फिर बुलडोजर की एंट्री हो गई है। इस बार अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को टारगेट किया है। अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। अखिलेश यादव यूं ही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार की बुलडोजर वाली नीति पर हमला करते हुए कहा कि 2027 में यूपी सरकार बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिसके बाद सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दें? अखिलेश यादव का ये बयान आया तो योगी सरकार ने भी अपने सियासी तर्कश से तीरों की बौछार कर दी। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने गोरखपुर को टारगेट किया तो सांसद रवि किशन से भी नहीं रहा गया, उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को हिंदू आस्था पर चोट से जोड़ दिया। मैं बड़ा आदर आपका करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये बयान मुझे काफी सुबह हर्ट कर गया और बहुत सारे प्रश्न भी हमारे जहन में चलने लगे। मैं अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूं क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है, एक एक हम एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर, या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की जमीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरक्षनाथ पर है, तो क्या आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल वाला ये नया सियासी कलेश फिलहाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यूपी में उपचुनाव होने हैं
और 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी और हमलों का दौर शुरू हो गया है। भोपाल के स्कूल की छात्राओं के सब्र का इम्तिहान टूटा तो उनका गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। इस आक्रोश को देखकर हर कोई कह सकता है कि छात्राएं परेशान थीं, लेकिन स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करता रहा। पढ़ाई के लिए सड़क पर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए तो गरियाबंद में शिक्षक की मांग करने कलेक्ट्रेट गई छात्रों को शिक्षा अधिकारी ने धमका दिया। रिपोर्ट देखिए। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, अगर लेट आते हैं तो सजा दी जाती है। सजा तो ठीक है, उसका वीडियो बनाया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। ये राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राओं का कहना है। ये आरोप है स्कूल प्रबंधन और पढ़ाने वाले टीचर्स पर। राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल के बच्चे जो है वो सड़कों पर चल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बात करते हैं। क्या मांग है जिसको लेकर आप लोग? हमारी मांग इतनी है कि लेट आने पर हमारी बेइज्जती होती है। 5 मिनट लेट थे, 1.5 घंटे समय धूप में खड़ा किया गया है यहाँ। और रोज कल भी लेट हुए थे तो घोड़ा बना के लड़कियों की वीडियो बना के पब्लिक पे पोस्ट की गई थी। रोज का यही नाटक है और रोज गंदी गंदी बातें बोलते हैं। हमें मेंटली कितना गुस्सा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में आप छात्राओं का हुजूम देख पाएंगे जो अपनी मांगों के लिए सड़क पर आईं। छात्राओं ने क्लासरूम में तोड़फोड़ की, जिससे पता चलता है कि छात्राओं में गुस्सा किस कदर का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्लासरूम था, इसमें बच्चों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। ये जो कूलर और जो टेबल कुर्सी थी उसमें तोड़फोड़ ये की गई। इसके साथ ही देखिए जो अलमेरा थी उसको भी यहाँ पर गिरा दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पंखा और प्रोजेक्टर को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। प्रदर्शन के दौरान कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अधिकारी यहाँ पहुँचे, उसके बाद बच्चों को मनाया गया है, फिलहाल मीटिंग हॉल में उनको ले जाया गया। सड़क पर प्रदर्शन कर छात्राओं ने अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुँचाया, साथ ही स्कूल में किस तरह का बर्ताव किया जाता है उसको लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। आरोपों को लेकर शिक्षा विभाग ने वर्षा झा नाम की टीचर को अनिश्चित काल के लिए अवकाश पर भेजा है। बच्चों की एक डिमांड थी, उसको हटा दिया जाए, उसको हटा दिया है, जिस वर्षा मैडम को लेकर इश्यू था जी। लेकिन सुबह जब डायरेक्टर आए थे वो कह रहे थे हटाने जैसी कोई बात नहीं है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। वो सुबह क्या बोले ये उनका निर्णय था, लेकिन ऐसी स्थिति भयानक थी और बच्चे जब जिस तरह से गिर रहे हैं, बेहोश हो रहा है, इतने नाराज है, तो ऐसी स्थिति में कैंपस अच्छा चल नहीं सकता, इसलिए हटाना जरूरी। कहीं छात्रों की पिटाई हो रही है तो कहीं धमकी दी जा रही है। राजनांदगांव में शिक्षक की मांग को लेकर छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने जमकर धमकाया। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे। जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे आग बबूला हुए कि बच्चों को जेल भेजने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद छात्र रोते बिलखते कलेक्ट्रेट से बाहर निकल आए। जिला शिक्षा अधिकारी मीडिया के सामने आने से बचते रहे। डोंगरगढ़ ब्लॉक के आलीवारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र और उनके अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। हाई स्कूल के शिक्षक हायर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। 12वीं बोर्ड के छात्र ज्यादा परेशान हैं। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से, क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सी क्या है तुम लोगों को लिखने के लिए, जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। 2 साल हो गए एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। डीओ साहब के पास बच्चे लोग गए थे, हम भी पालक उनके साथ में गए थे, तो डीओ साहब ने बच्चे लोगों के साथ में
गलत तरीके से बात किया है, बच्चे लोग रो रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन करेंगे या तो ताला लगा देंगे स्कूल में करके। तो ऐसे ही आवेदन लिखते हो क्या, कौन लिखवाया है, जो अंदर हो जाओगे तब पता चलेगा, ऐसा टाइप के शब्द बोला है। जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले छात्रों को धमकाया और अब वो माफी मांग रहे हैं। हम शाला में गए थे और शिक्षकों की कमी को हमने दूर किया, वैकल्पिक व्यवस्था की है, बच्चों और गार्जियन से भी मेरी आज बात हुई है, तो उनका कहना है कि सर हमारे समझने में ये थोड़ा सा हुआ है, ऐसा इंटेंशन। मैंने उनको कहा भी है कि अगर आपको कोई बात इस तरह से लगी हो तो मैंने खेद भी व्यक्त किया। भोपाल से लेकर राजनांदगांव तक छात्र परेशान हैं, कहीं आक्रोशित छात्र तोड़फोड़ कर रहे हैं तो कहीं शिक्षक की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट तक का रुख कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी करने के बजाय उन्हें धमकाया जा रहा है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की रहने वाली पर्यावरणविद प्रसिद्धि ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकृति की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं तो वो हमारी और हजारों कदम दौड़ती हुई आती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रोजेक्ट वन ट्री निश्चित रूप से पर्यावरण को एक बेहतर करने में अच्छी भूमिका निभाने वाला है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रसिद्धि, 11 ईयर ओल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। आई एम द फाउंडर ऑफ प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन एंड द ग्रीन पिलर फ्रॉम तमिलनाडु चेंगलपट्टू, एंड आई एम अ नेचर लवर। From always, I've really been inspired from nature, admiring the rustling of leaves, the buzzing of bees, and the waves of seas. At the age of 6, I decided I want to do my own tree plantation and planted more than 1,50,000 trees. I received Prime Minister National Child Award, the highest civilian honor under 18 in India. It was a motivation boost for me to continue my journey. Project One Tree, as the name suggests, it is all about how one tree can make a difference. We need to understand that if we take one step towards nature, it'll come running thousands of steps towards us. The right soil, the right seed, the right environment, everything is important. But most importantly, love, compassion and adoration towards the sapling is what matters the most. Whether we plant one tree or 100 trees, our journey is going to be tough, but the learnings are going to be valuable. As young people, the zeal we have, the courage, the power, the creativity we have, if we unleash it for the betterment of our planet, the impact can be marvelous. Each tree, each drop we save, and every environmental action we take is going to matter in this journey. And Project One Tree will definitely play a crucial role in revitalizing India's communities. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखिए मारो राजस्थान में।